हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ पॉजिटिव रह के इस रीडिंग को देखिए, अपने पर्सन का नाम लीजिए प्लीज़। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, या फिर अगर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो भी आप रीडिंग को देख सकते हैं। हस्बैंड के लिए देख सकते हैं, वाइफ के लिए देख सकते हैं, गर्लफ्रेंड के लिए देख सकते हैं, बॉयफ्रेंड के लिए भी देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप अपने एनर्जी के ऊपर फोकस कीजिए। आपकी एनर्जी मैस्कुलाइन हो सकती है या फिर फेमिनाइन एनर्जी भी हो सकती है। तो चलिए पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंजल्स और डिवाइन प्लीज गाइड करें, एंजल्स और डिवाइन प्लीज गाइड करें, एंजल्स और डिवाइन प्लीज गाइड करें। जो भी मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, उनको एक्यूरेट मैसेजेस मिल सके। तो सबसे पहले कार्ड जो आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड कार्ड है हैंगमैन। थर्ड कार्ड है हर्मिट, द स्टार, टू ऑफ कप्स, हायरोफेंट, द वर्ल्ड, टावर, नाइन ऑफ वैंड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। और यहां पर बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। तो अगर आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स की बात करें, तो ऐसा लगता है ना कि इनको ऑलरेडी आर्कएंजल गैब्रियल ट्रम्पेट लेके आवाज दे रहे हैं। फाइनल कॉल है इनके लिए कि इनको अभी डिसीजन लेना ही पड़ेगा आपके फेवर में, या फिर इनकी जिंदगी से आप हमेशा के लिए निकल जाएंगे। ऐसा ये एंजल, यहाँ पर आप देख सकते हैं जजमेंट। इन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, या फिर आपको वेटिंग में रखा है, आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, आपके साथ रिलेशनशिप में थे ये पर्सन, ऐसा मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर लगता है, और कमिटमेंट नहीं दे रहे, शादी या फिर जिम्मेदारी से भाग रहे ऐसे लगता है। तो आर्कएंजल गैब्रियल इनको आवाज़ दे रहे हैं कि अभी तो जाग जाओ और कुछ डिसीजन अपनी ज़िंदगी के बारे में ले लो, क्योंकि तुम्हारे साथ और भी कोई जुड़ा हुआ है। तो अगर तुम सही डिसीजन लेते हो तो तुम्हारे पार्टनर का भी लाइफ अच्छी रहेगी, ऐसा ये एंजल्स आपके पर्सन को बता रहे हैं। तो जब इनको आवाज़ सुनाई दे रही है, इनको कोई गाइड भी कर रहा है, क्योंकि हायरोफंट की एनर्जी है, ऐसा लगता है इनको कोई गाइडेंस दे रहा है, कोई काउंसलिंग दे रहा है कि सच में अभी तुमको फैसला लेना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी के बारे में। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर ऐसा लगता है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आपके पर्सन उलझे हुए हैं, जैसे कि पैसे इनको कमाना है, और फिर घर बनाना है, गाड़ी लेना है, जैसे कि बैंक बैलेंस करना है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के बारे में फैसला नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर है। जैसे कि ऐसा है ना इनका सिचुएशन जहाँ पर ये स्टक है, कुछ एक्शन नहीं ले रहे। ऐसा नहीं कि इनके पास अक्ल नहीं है, अकल है, नॉलेज है, पावर है, विजडम है, सब कुछ है, लेकिन अभी शांत है, स्टक लगते हैं मुझे। यहाँ पर ऐसा भी लगता है ना कि अगर आने वाले दिनों में अगर ऐसा ही ए पर्सन की हालचाल रहे कि कुछ भी एक्शन नहीं लिया इन फ्यूचर, तो ये रिश्ता टूट सकता है, क्योंकि हर्मिट है और उसके नीचे टावर का कार्ड आया है। तो टावर ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ एक्सीडेंट सडन या कुछ अचानक हो सकता है, फैसला आपका हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो आपका भी फैसला हो सकता है कि इस पर्सन अगर कमिटमेंट नहीं देते तो फिर इस पर्सन से रिश्ता तोड़ दें, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं और कितना इंतज़ार करेंगे। अगर ये पर्सन आपको हमेशा कुछ ना कुछ बहाने बताकर अगर आपसे दूरियां क्रिएट करता रहेगा, तो आपको तो कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, और आप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो एनर्जी उठकर आई है ना कि स्टार का कार्ड है, ऐसा लगता है ना कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ब्यूटीफुल रिश्ता बनने वाला है। अभी मुझे पता नहीं कि आपके एक्स या प्रेजेंट जो है उनके साथ हैं या कोई न्यू पर्सन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। ऐसा लगता है कोई आपको इमोशनली चाहता है, कोई ऑलरेडी आपको पसंद करता है। अभी वही पर्सन जिसके बारे में आप रीडिंग देखते हैं,
या फिर कोई नया पर्सन हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, या फिर आपकी सिटी में हो सकता है, कोई आपको पसंद करता है, ये सोशल मीडिया पर कोई किसी ने आपको देखा होगा तो वो पसंद करने लगा है, ऐसा मुझे लगता है। जो दिल से आपको प्यार करता है ऐसा पर्सन आने वाले दिनों में आपको शायद प्रपोज कर सकता है, वो पर्सन जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार देगा, ये दिल से आपको चाहता है, पसंद करता है, दिल से चाहता है और दिल से पसंद करता है ये पर्सन, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पर ऐसा लगता है नहीं कि आपके पर्सन जो है वो मेहनत बहुत कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 ऑफ पैंटिकल्स है और 9 ऑफ वैंड्स है। ये ऐसे भी है एनर्जी में कि इनको आपकी तरफ ही आना भी है और मेहनत भी करना है, मतलब इनके करियर के ऊपर भी फोकस रखना है और आपकी तरफ भी आना है, ऐसा स्ट्रांगली यहाँ पर लगता है। मतलब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनको एग्जैक्टली क्या करना है। अगर ये बहुत साल से आपके साथ रिलेशनशिप में है तो पहला आपका साथ देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके साथ शादी करके भी अपने सपने तो पूरे कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते हैं। पता नहीं क्या इनके दिमाग में चल रहा है कि ये करियर के ऊपर फोकस ज़्यादा लगते हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बेकार में है, हार्ड वर्क कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि एक बेहतर फ्यूचर हो, इनका लाइफ अच्छी हो। शायद इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स देखे हैं, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड भी आया है तो आपका कंप्लीशन दिखाई देता है, आपका रिश्ता बनते हुए मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है। आपका न्यू पर्सन के साथ रिश्ता होगा या फिर वही पर्सन के साथ, ये अभी यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है। किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये जो टैरो कार्ड रीडिंग है आपके लिए गाइडेंस है, तो इसमें जो आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट होता है वही लीजिए। तो जो राशियाँ यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है उसमें कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यानी कि कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, नेक्स्ट यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, नेक्स्ट यहाँ पर जो राशियाँ दिख रही हैं वह है जेमिनाय यानी कि मिथुन राशि, टॉरस, वृषभ राशि, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, ये कुछ राशियाँ यहाँ पर उठकर आई हुई हैं। नेक्स्ट ऐसा लगता है ना आपके लिए लकी नंबर्स आज जो है वो है 17 या 8 नंबर लकी हो सकता है, नेक्स्ट यहाँ पर 21 या 3 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है। तो कुछ बदलाव आपके ज़िंदगी में आएगा इस रिश्ते में, या तो ये रिश्ता आपका जो पर्सन के लिए आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है वो पर्सन से आपका रिश्ता टूट सकता है क्योंकि टावर मोमेंट है, और एक नया रिश्ता जुड़ सकता है आपकी ज़िंदगी में, या फिर उसी रिश्ते में आप हैप्पी हो सकते हैं, वो रिश्ते में वो पर्सन आपसे कांटेक्ट करके एक कमिटमेंट आपको दे सकते हैं। तो आज के रीडिंग में इतना ही, होप आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिला है। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।